आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये स्कूल के प्रिंसिपल का लिखा हुआ पत्र भी है। यह प्रदीप शर्मा और एक दो लोग और आए थे, उन्होंने खटकरी ग्राम पंचायत के लिए यह एक पत्र दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पंचायतों में फैला व्यापक भ्रष्टाचार, जांच के नाम पर की जा रही है हिला हवाली। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सरकार के द्वारा एक ओर जहां भ्रष्टाचार के नाम पर नोएडा में बनी 800 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को गिरा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी ग्राम पंचायत में जांच भी की जाती है तो उसमें भी हिला हवाली कर दी जाती है। ताजा मामला रीवा जिले के हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खटकरी का है, जहां सचिव रामाश्रय उपाध्याय के द्वारा 60 लाख रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें, जांच के नाम पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हनुमाना जनपद पंचायत के खटकरी ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतकर्ता प्रदीप शर्मा के द्वारा बताया गया कि जिस इंजीनियर और पीसीओ के संरक्षण में सचिव के द्वारा सरकारी रुपए का गबन किया गया, उसी इंजीनियर को खटकरी ग्राम पंचायत में जांच अधिकारी बनाकर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि खटकरी ग्राम पंचायत में सचिव के द्वारा लाखों रुपए का गबन किया गया, लेकिन जमीनी स्तर में कार्य नहीं करवाया गया, जिसकी बारीकी से जांच होनी थी, लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराकर दोषी सचिव के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। यह प्रदीप शर्मा और एक दो लोग और आए थे, उन्होंने खटकरी ग्राम पंचायत के लिए यह एक पत्र दिया है और शिकायत किया है 4-5 कार्यों के लिए। तो हमने श्री वैभव मिश्रा उप यंत्री को वह दे दिया है, एक सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट देंगे। मैंने यही शिकायती आवेदन ही आया है, अभी उसको जांच कर लेते हैं। अगर सचिव दोषी होगा तो उसके लिए उसके जगह दूसरे सचिव के लिए वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाए। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके बता पाऊँगा। मैं उपयंत्री से जाँच करा रहा हूँ। प्रदीप कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट खटखरी, तहसील हनुमाना, जनपद पंचायत हनुमाना। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारे ग्राम पंचायत खटखरी में भ्रष्टाचार के संबंध में मैं आवेदन पत्र दिया था माननीय श्री जिला कलेक्टर महोदय को 10 तारीख को 10/8/2022 को, और जिला सीओ जी को मैंने 4/8/2022 को ये शिकायत पत्र में दिया था। इसके बाद मैं हनुमाना SDM महोदय अनुविभागीय अधिकारी हनुमाना को 17/8/2022 को ये पत्र दिया, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये स्कूल के प्रिंसिपल का लिखा हुआ पत्र भी है कि वहाँ ना बाउंड्री बनाई गई अभी और ना ही पेवर ब्लॉक लगा। ऐसी 5-6 बिंदुओं मैंने शिकायत की है। पहली है, बाउंड्री बांध निर्माण कन्या हाई स्कूल परिषद में, जिसमें 3 लाख रुपए आहरित कर लिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया है। और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य हनुमाना कन्या हाई स्कूल पार्ट 2 में 8.5 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि 40% के लमसम काम हुआ है। और इसी तरह सुक्ता गड्ढा में 3 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि मतलब फील्ड में कोई काम वहाँ है ही नहीं। और इसी तरह से नाडे टाका में अधूरा कार्य है, जिसमें छपाई वगैरह नहीं हुई है, और कुछ जितने मात्रा में बनने थे, जिस हिसाब से पैसे निकले हैं, अगर आज जांच कराई जाए तो नहीं बने हुए हैं। और फिर इसके बाद पांचवा बिंदु है हमारा मोटर पंप क्रय में, इन्होंने 5,70,000 रुपये आहरित किया
जो कि क्रय भंडार से ये अत्यधिक है, जो शासन का रूल है उससे अत्यधिक पैसा वगैरह टीएस वगैरह के निकाले, जिससे जांच जब जांच होगी तो खुद ही स्पष्टीकरण हो जाएगा। और इसी तरह एक पानी टंकी है डिहली टोला में, जहाँ की आंगनवाड़ी है, तो आंगनवाड़ी के बगल में उन्होंने एक टंकी लगवाई जो कि 5000 लीटर की थी। तो 5000 लीटर की थी, जिसमें उन्होंने 2000 लीटर की टंकी वो भी